तो चलो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये क्या कर रहा है और ये किस टाइप का प्रॉब्लम है। तो ये कहता है कि फाइंड द टेम्परेचर निकालना है एट विच द एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी नीडेड टू टेक द हाइड्रोजन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एन इज इक्वल टू 3। अब देखो, ऑब्वियसली देखो, टेम्परेचर ज़्यादा है तो उस टेम्परेचर की एनर्जी पाके जो इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट का, एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2 और एन इज इक्वल टू 3, तो इस पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जो ग्राउंड स्टेट वाला एनर्जी, अगर टेम्परेचर इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट, टेम्परेचर ज़्यादा है तो हीट एनर्जी जो है वो पाके ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो ग्राउंड में था मजे कर रहा था, वो ये कहता है कि वो एनर्जी नीडेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एन इज इक्वल टू 3। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे, हीट एनर्जी दोगे, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड में वो जंप करके एनर्जी लेवल बढ़ गया तो हायर ऑर्बिट को जंप कर जाएगा, एन इज इक्वल टू 3 को जंप कर गया। ठीक है, पहले कहाँ से था, एक्साइट हो गया, एन इज इक्वल टू 1 से 3 में जंप हो गया। ठीक है, जो मान लो हमने टेम्परेचर टी इंक्रीज कर दिया होगा। तो ये कहता है कि और ये जितनी थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अब ऑब्वियसली यहाँ से जो हीट एनर्जी दिया गया होगा, हीट एनर्जी, तो वो हीट एनर्जी तो इन दोनों के ऑर्बिट के इक्वल तो होगी ना भाई, इन दोनों के ऑर्बिट के एनर्जी को जो डिफरेंस है उसके इक्वल तो होगी ही होगी। जो हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी वो किस फॉर्म में है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है और काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा ई, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 3/2 kT के इक्वल है और ये एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं प्यारे बच्चों, और कितना आ जाएगा ये -1.5 और -13.6, तो ये आ जाएगा 3/2 kT की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 12.1। तो ये अभी एक ही क्वेश्चन हमें टेम्परेचर ही पूछा है, और जब ऐसा हुआ है तो एक वेवलेंथ भी जनरेट हुआ है। अब ज़्यादा हमें वेवलेंथ से तो मतलब है नहीं, हमें टेम्परेचर पूछा है तो टेम्परेचर यहीं से हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर इज इक्वल टू 12.1 और मल्टीप्लाइड कर दूँ 2 से और डिवाइड कर दूँ 3 से और के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू 8.62 × 10^5 -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन, और ये ऊपर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, पिछली वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था तो वहीं से मैंने इसको उठाया है। तो टेम्परेचर टी इज इक्वल टू, यहाँ से फाइनली कैलकुलेट कर लोगे तो 9.4 × 10^4 केल्विन आ जाएगा। दिस इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड, इतना टेम्परेचर दोगे तो इस टेम्परेचर से जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी वो एनर्जी इसको मिल जाएगी और इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। बाकी इसके बाद जो रामायण कहानी है, वो जंक्शन है, वो तुम पढ़ लेना, समझ लेना।